रशीदा भी ये सब क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। उस बिल्ली की चीखें अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने उसे भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। तो अल्लाह का शुक्र है कि तुमने उस प्लेट में से खाया नहीं, ना जाने तुम्हारी क्या हालत होती। मेरी क्या हालत होती? क्या मतलब? बहुत मासूम हो दिखिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शीदा भी मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। देखा, उस प्लेट में जहर था। जहर? हाँ जहर, किसी ने तुमको मारने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। लेकिन ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की या जहर सिर्फ मेरी प्लेट में थी? अरे बिटिया, तुम्हारी रशीदा बी ने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, बल्कि मौसम के खाक छा लिए। तजर्बा है, मेरी छठी हिस कहती है किसी ने तुमको मारने की कोशिश की थी। लेकिन कोई मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? ये तो मुझे पता नहीं, ये तो रबी जाने। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं इस बात का पता लगा के रहूंगी। समझ नहीं आ रहा मुझे कि सालन में ऐसा क्या था कि बिल्ली सालन खाते ही हमारी आंखों के सामने देखते देखते ही मर गई। हाय भाभी, मेरी तो आंखों के सामने से वो मंजर ही नहीं हट रहा। वो कैसे तड़प तड़प के मर गई वो? शुक्र करें भाभी, हम में से किसी ने खाना नहीं खाया। ये जो तमन्ना है ना, इसी ने डाला है हमारे खाने में कुछ। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, ये तो हमसे अपनी माँ का बदला लेने आई है यहाँ पे। नहीं सकिया, सालन तमन्ना ने नहीं, मैंने बनाया था। क्या? हाँ, पता नहीं मुझसे क्या डल गया ऐसा। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? क्या पता बेदहानी में ना कोई चिपकली गिर गई हो, बड़ी जहरीली होती है ये। चिपकली होती तो सालन में नजर आती। तुम इसका जिक्र बीबी से हरगिज ना करना। वो पहले ही सदमे से नहीं निकली, सुनेंगी तो परेशान होंगी। ठीक कह रही हैं आप भाभी, पता नहीं क्या था उस खाने में। वाला वाला कुवत। हारून, सबिया को भी साथ ले आते, काफी रोज हो गए उसे यहाँ आए हुए। आज मैंने फोन पे पूछा था उसे कब आएगी, तो कह रही थी एक दो रोज में चक्कर लगाएगी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे मिलता आ जाऊँ, आपका हाल पूछूं। कैसी हैं आप? बस बेटा, तो इसी हाल में सारी जिंदगी गुजारना, किसी बात का गम है तो बस यही कि न जाने वो कौन सी बात थी जो तुम्हारे खालू बावजूद इतनी तकलीफ के मुझे कहना चाहते थे और कह ना सके। जो बात खालू जान आपसे करना चाह रहे थे, अगर वो आपको अब पता चल जाए तो क्या आप उस फैसले को कबूल कर लेंगी? क्या मतलब बेटा? मतलब वो बात मुमानी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बात इतनी जरूरी होती तो अल्लाह ताला मामू जान को इतना वक्त जरूर देता ताकि वो मुमानी को अपनी बात बता सकते। चाय। तमन्ना शायद ठीक कह रही, इस बारे में मुझे मजीद और नहीं सोचना चाहिए।
अम्मी मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है? ये सब तुमने किया है इमन? हाँ, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो हर बार बच जाती है। रशीदा भाई अब आ भी जाओ। जी आई आई बड़ी बहू। वो रशीदा भी थी, कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा तो आपके ख्याल में वो ऐसे चुपचाप चली जाती? तुम क्या कह रही थी कि तुमने तमन्ना को पहले भी मारने की कोशिश की थी? हाँ, जिस दिन ताया जान का एक्सीडेंट हुआ उस दिन खीर खिलाने के बहाने, उस दिन भी इस रशीदा की वजह से वो खीर खाते खाते छोड़कर चली गई, और आज भी इस रशीदा की वजह से वो बच गई। वरना सहन में उस बिल्ली की जगह तमन्ना की लाश होती। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुम बाप बेटी क्या करना चाह रहे हो। उधर तुम्हारे अब्बू ने आबाज भाई का एक्सीडेंट करा दिया, और यहाँ तुम तमन्ना की जान लेने पे तुली हुई हो। अगर किसी को ये सब पता चल गया तो तुम जानती नहीं हो क्या हो जाएगा। हम सबके लेने के देने पड़ जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा अम्मी, अब आप मुझे बिना वजह डराए मत। कुछ देर ठहर सकते हैं आप? कुछ देर तो नहीं, तो चाहता हूं मैं सारी जिंदगी यहां रुक जाऊं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। बस बहुत हो गया यार, अब और नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं, अब अगर दोबारा आपने मुमानी जान से या किसी से भी अब्बास मामू वाली बात दोहराने की कोशिश की या दानिया के साथ शादी से इनकार किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरा साथ तो क्या, मेरी शक्ल देखना भी आपको नसीब नहीं होगी। तुम की मोहब्बत के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो, ऐसा मत करो। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूं। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो हर बार बच जाती है। ये दोनों मां बेटियां किसके बारे में बात कर रहे थे? कोई तो बात जरूर है जो दोनों छुपा रहे थे, मगर क्या बात? कौन है वो जो हर बार बच जाता है? खुदा खैर करे, पता नहीं ये माँ बेटियां क्या खिचड़ी पका रही हैं। अल्लाह इनको हिदायत का रास्ता दिखाए। छोड़ो, मुझे अपना काम तो पूरा करना है। क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, वो जो रशीदा भी है ना,
उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली, अब क्या करें? और अगर उसने मुंह खोल दिया तो हम तीनों तो अंदर हो जाएंगे इमन, और तुम्हारा बाप को तो फांसी लग जाएगी। क्या हो गया अम्मी, क्यों बिना वजह परेशान हो रही है? अच्छा तसल्ली रखें और मुझे बताएं हुआ क्या, क्या कहा उस रशीदा? वो कह रही थी कि वो कौन है जो हर बार बच जाता है, और तो कुछ नहीं कह रही थी, बस यही कुछ कहा था। अब क्या होगा इमान? इसका मतलब उसने आधा सच सुन लिया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अम्मी आप तसल्ली रखें, उसने कुछ नहीं सुना, और अगर उसने कुछ सुन भी लिया तो क्या कर लेती वो? उसके पास कोई सबूत नहीं था। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें यकीन है ना कि कुछ नहीं होगा बेटे? हाँ बस अब उस रशीदा से थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है हमें। आपा मुझे लगता है हमें हारून और दानिया की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादी इतनी जल्दी? सभिया अभी तो आपा आप तो जानती हैं जिन हालात में हारून और दानिया की मंगनी हुई है, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दानिया बहू बनके मेरे घर आ जाए, लेकिन अब्बास भाई के इंतकाल के बाद हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं आपसे बात करती। क्या सोच रही हैं आप? वो देखें जिन हालात में इन बच्चों की मंगनी हुई है, मुझे लगता है कि शादी में ताखीर करके हमें मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहती तो तुम ठीक हो सबिया, मैं आज ही बीबी और उमर से बात करूंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी, चाय पियोगी? आप अपने हाथ से बनाएंगी तो जरूर पियूंगी। बिल्कुल। वाह भाई, या आप इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हैं? आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ। वो जो वकील नहीं था उसने ही मिलवाया है, उसके साथ नया कारोबार शुरू करूंगा। तमन्ना का सब कुछ बेच दिया मैंने। हैं? सब कुछ? हाँ सब कुछ। इसका मतलब है हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए। हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खालिद तुम बहुत बड़ा घर भी ले सकते हैं, और ये शानदार लंबी चमकती हुई गाड़ी। गाड़ी नहीं गाड़ियां दो। लेकिन अभी हमें घर और गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खाम खां बीबी और तमन्ना को शक हो जाएगा। अभी हमें बहुत एहतियात से काम लेना है। ये क्या बात हुई, इतना सारा पैसा होते हुए भी हम टैक्सी और रिक्शा में धक्के खाते फिरेंगे? अरे रिक्शा और टैक्सी में क्यों भाई, वो शुरू हुई है ना अभी, क्या नाम है उसका, हाँ ऑनलाइन सर्विस। फोन करो कीमती सी कीमती गाड़ी आपके दरवाजे पे है, सफर करो, मुझे पैसे की तो टेंशन ही नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास। बात कहूं मैं? हाँ बोलो। मेरा ना ऐसे कभी कभी ना दिल घबराता है, मुझे बहुत खौफ आता है जब भी मैं अब्बास भाई का सोचती हूँ ना। एक तो आपने और आपकी बेटी ने जो हरकतें कर रखी है ना, किसी को मालूम हो जाए ना तो पता नहीं क्या। उसका बोलो, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? तुम्हारा तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज ना सुनो, अब्बास भाई का एक्सीडेंट हुआ था, दोबारा समझाना ना पड़े। पता नहीं क्या
क्या सोचती रहती हो? वो वैसे जहन में आ गया था ना। अपने जहन को संभाल कर रखो। अच्छा बड़ा मूड था, सुबह सुबह खराब कर दिया। अहमक औरत। वकील साहब काफी देर हो गई है, आपका वो बंदा तो आया नहीं। मेरे अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, रास्ते में बस पहुंचने वाले होंगे। वकील साहब आपने उन्हें बता तो दिया है ना कि मैं कोई बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ी है। छोटा कारोबार तो छोटा मुनाफा, बड़ा कारोबार बड़ा मुनाफा। जी जी जनाब, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप उनसे मिलेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। शहर की मुसीबत यही है, आपकी जितनी बड़ी गाड़ी होती है आप उतने ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब से मैंने नई लेमो इंपोर्ट की है रोड पे गाड़ी चलाना आजाब हो गया। आपके पास लेमोजीन है? जी हाँ, पिछले वाली तो मैंने ग्राउंड कर दी थी। ग्राउंड कर दी थी मतलब? मतलब ये कि वो उन्होंने बंद करके रख दी। अच्छा, बेची नहीं? जी नहीं, एक्चुअली मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है और वैसे भी मैं अपने कोई कलेक्शन भी बेचता नहीं। आप आइए ना, आप आइए प्लीज। थैंक यू। प्लीज खालिद साहब, शहरयार साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनके बारे में सब कुछ। शहर साहब, खालिद साहब, मैंने आपसे ये कर दिया था, बहुत खुश हो जाएगा। मुझे भी। शेर साहब, खालिद साहब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके साथ करना चाहते हैं। सच बात तो ये खालिद साहब कि आपका चेहरा देखते ही मैं समझ गया था। क्या समझ गए थे? ये कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा प्रेजेंट है छुपा है। आई एम श्योर के हमारी पार्टनरशिप बहुत कामयाब है। मैं आपा की तरफ गई थी, उन्होंने तारीख फिक्स करनी थी, मैंने उनसे डेट मांगी है शादी। यार वो एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? मंगनी अभी मैंने कर ली है ना, वो काफी नहीं था? नहीं करना चाहता मैं अभी शादी, कुछ थोड़ी देर इंतजार किया जा सकता है ना। अरे कितना इंतजार करें, इंतजार इंतजार बस हो गई है। एक साल, दो साल, चार साल या सारी जिंदगी इंतजार करना है? पता नहीं, मैं नहीं जानता। समझ गई, तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो फिर तुम अपनी मर्जी से अपनी खुशियां पूरी करो। इस जादूगरनी की औलाद को इस घर में लाकर बहू बना दो इस घर की, है ना? क्या क्या कह रही? प्लीज, क्या कह रही? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। और अगर कहीं भी तुम्हारे दिमाग में ये बात है ना कि मैं मर जाऊंगी तो तुम अपनी खुशियां पूरी करोगे तो भूल जाओ, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम्हें उस लड़की से शादी की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। देख लेना, कयामत के दिन ना गिरेबान पकड़ लूंगी मैं तुम्हारा, फिर जवाब देना मुझे भी और अल्लाह पाक को भी। सलामुअलैकुम आपा। सबिया, हाँ मेरी बीबी से बात हो गई है और उमर से भी। बीबी ने 15 दिन के बाद की तारीख दी है। बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे वाह, आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। मैं भी हारून को ये खुशखबरी सुनाती हूँ, आप बस शादी की तैयारियां शुरू करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पापा का फोन था, 15 तारीख फिक्स हो गई शादी के लिए। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है, तुम खुद काफी समझदार हो।
तमन्ना, तमन्ना शिवानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। देखो तमन्ना, मैं जानती हूँ कि हारून तुम्हारे पीछे पड़ा है और शादी करने की जिद कर रहा है, और तुम उसे पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हो। ऐसा ही है ना? तमन्ना, तमन्ना, ऐसा ही है ना? जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मुझे ये भी मालूम है कि तुमने हमेशा उसकी मोहब्बत का जवाब इनकार में दिया है, तुमने हमेशा अपना फर्ज और अपना वादा निभाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने वादे की और फर्ज की पासदारी करोगी और उसे नजरअंदाज करोगी। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, मेरी तरफ से आपको या दानिया को कभी शिकायत नहीं होगी। मैं जानती थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा। मैंने सबिया को शादी की तारीख दे दी है। पंद्रह दिन बाद शादी, और इस बीच अगर हारून ने तुमसे राब्ता किया या अपनी मोहब्बत के लिए मनाने की कोशिश की तो मेरा जवाब तब भी वही होगा जो आज है, और हमेशा यही रहेगा। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और दानिया की शादी की तैयारी करें। हम ये शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, क्योंकि मामू जान आज भी हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में। खुश रहो, आसिया बहुत खुश नसीब थी जिसे तुम जैसी बेटी को पैदा किया। तुम्हारी जैसी बेटी सबको नसीब हो। सोने दे चांदी दी नथ लैके, चांदी दी नथ लैके, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। सोने के बूंदे हिमन, मैं तो सारा सामान लेकर तुम्हारे पास ही आने वाली थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये कपड़े, ये जूते और ये जेवर, और ये देखो सोने के बुंदे हैं, असली सोने के, वो बड़ी वाली दुकान से लेकर आई थी, वो जिसका इश्तेहार नहीं आता टीवी पर। तुम क्या गुस्से में सड़ा हुआ मुंह बना के बैठ गई हो? मुंह ना बनाऊ तो और क्या करूं अम्मी? उस दानिया की तारीख न होने पर खुशियां मनाऊं, मिठाइयां बांटूं या फिर शादियां ने बजवाऊं? दानिया की तारीख, शादी की? जाहिर है शादी की तारीख ही तय होगी अब। सुबैता भाभी ने तो कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। अब हर बात का जिक्र करने के लिए उनके पास वो तमन्ना जो आ गई है, तो वो आपसे किसी बात का जिक्र क्यों करेंगी? क्या जी, आप यहां बैठकर अपनी शॉपिंग देख देखकर खुश होती रहे, आपको क्या इससे? अम्मी, मैं आपको बता रही हूं, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या मैं किसी की जान ले लूंगी। सुन ले आप क्या बकवास कर रही हो, एक लफ्ज भी और निकाला ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये मारना मराना तुम्हारा पेशा है। उस दिन की बात से ही दहल गई थी, वो तमन्ना के खाने में जहर डालना और वो खीर आया, और तुम फिर से ये
जान देने और लेने की बातें कर रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो क्या करूं और, क्या करूं और? बैठकर अपनी मोहब्बत का तमाशा देखती रहूं, ये हारून को धानिया का होता देखती रहूं? अम्मी, मैं हारून के बिना नहीं रह सकती, मुझे हारून चाहिए, किसी ने सूरज चाहिए। बंद करो, पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम तो, उसकी जिद लेकर बैठी हो जो ना तुम्हें ना उस दानिया को, उल्टा वो तीसरी तमन्ना के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे हालात में ना तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ना मुमकिन है। भूल जाओ हारून को, दफा करो से। कैसे भूल जाओ अम्मी, कैसे भूल जाओ? बिल्कुल वैसे जैसे वो तमन्ना को भूल के दानिया से शादी कर रहा है। अब बेटे ये सोचो ना कि अगर वो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा रहा है तो उसे कौन से अपनी मोहब्बत नसीब हो रही है? भूल जाओ उसे। जुबैदा भाभी, आपकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस कमजात मोचन को मुझ पे अहमियत देकर मेरी बेइज्जती की आपने। देखती हूँ मैंने भी, अभी बताती हूँ जाके बीबी को, बात करती हूँ मैं बीबी से। मैंने सबिया को शादी की तारीख दे दी है, 15 दिन बाद शादी है। क्या हुआ, दिल पर हाथ क्यों रख लिया? ये सब सुनकर तुम्हारा दिल क्यों घबरा रहा है? तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए, यही तो तुम चाहती थी, दानिया और हारून की शादी है ना? तो फिर शादी की तारीख सुनकर तुम्हारे दिल में ये घबराहट, ये परेशानी कैसी? जवाब दो। चलो मैं बताती हूं, क्योंकि तुम हारून को पसंद करती हो, मोहब्बत करती हो हारून से। कब तक खुद से झूठ कहोगी, कब तक अपने आप को धोखा देती हो? झूठ है, बकवास है, मैं हारून को पसंद नहीं करती, ना ही मैं हारून से मोहब्बत करती हूं, बल्कि मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। हो रहा है मुझे, क्यों मैं ऐसा सोच रही हूं? और अगर कहीं भी तुम्हारे दिमाग में ये बात है ना कि मैं मर जाऊंगी तो तुम अपनी खुशियां पूरी करोगे, तो भूल जाओ, क्योंकि मैं मरने के बाद भी उस लड़की को कबूल नहीं करूंगी। और देख लेना, कयामत के दिन ना मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगी, फिर जवाब देना मुझे भी और अल्लाह पाक को भी। अरुण, मुझे लगता है तुम्हें भी एक बात समझनी चाहिए। क्या? यही कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है और तुम्हें उसकी रजा मान लेनी चाहिए। काश अम्मी आप मुझे समझ पाती और मुझे इतनी बड़ी कसम नहीं देती। शायद कासिम ठीक ही कहता है, मुझे शादी को अल्लाह की रजा मान लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे तमन्ना से एक बार बात करनी। बीबी, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे या खालिद से ऐसी क्या गलती हो गई है कि किसी ने हमसे इस बात का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। चले मुझे तो दफा करें, मान लिया मैं तो चच्ची हूं, दूसरी जगह हूं, लेकिन खालिद, खालिद तो दानिया के सगे चचा है, अब्बास भाई के बाद इस घर में बाप की हैसियत रखते हैं, उनसे भी किसी ने मशवरा करना गवारा नहीं किया, मशवरा तो दूर की बात, किसी ने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। वो तो एमन ने जुबैदा भाभी को तमन्ना से बात करते हुए सुन लिया था तो मुझे पता चला है,
ज़किया, तुम बात को ख्वामखा बढ़ा रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे तुम झगड़े का रंग दे रही हो। मैं झगड़े का रंग दे रही हूँ? मतलब कि अब भी मैं ही गलत हूँ भाभी? बीबी आप मुझे बताएं, मैं गलत कह रही हूँ? मैं गलत बात कर रही हूँ? वो कल की लड़की ज़ुबैदा भाभी की नजरों में इतनी अहम हो गई कि मुझसे पहले उसे बात बताई जाती है? बात तो ज़किया की भी ठीक है। ज़ुबैदा तुम्हें ज़किया से भी मशवरा करना चाहिए था। बीबी ऐसी कोई बात नहीं, मैं ज़किया को बताने वाली थी, लेकिन अभी रात ही में तो आपसे ये बात तय हुई है। मैं रात को जाकर क्या बताती इन्हें? और रही अगर मशवरे की बात, आपके होते हुए किसी और से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है और आप समझती हैं कि मैं जानबूझकर मैंने ज़किया को कुछ नहीं बताया, तो मैं इस कोताही की आपसे माफी चाहती हूँ। चलो ज़किया, जब ज़ुबैदा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है तो तुम भी उसको माफ करो और बात को खत्म करो। मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? मेरे दिल में बात आई, मैंने कर दी। गिले भी तो अपनों ही से होते हैं ना। ये बंदे कहां से आए? खालिद ने दिलवाए हैं मुझे। पैसे कहां से आए? क्या क्या मतलब है, क्या मतलब है पैसे कहां से आए? आपको क्या लगता है कि खालिद के पास इतने पैसे भी नहीं कि अपनी बीवी को सोने के बूंदे दिला सके? ज़किया, मैंने ऐसा कब कहा? आपने जैसा भी कहा है, आपका मतलब तो यही था ना? ज़किया, क्या बात है, बूंदे पहनकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आ रहा है? ज़ुबैदा तुमसे उम्र में भी बड़ी है और रिश्ते में। जानती हूँ बीबी, इसीलिए आज तक इनकी हर बात पे सर झुकाती आई हूँ, लेकिन इन्हें भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए छोटों का। ये इसे क्या हुआ? इससे पहले तो कभी इस तरह इसने ज़बान नहीं खोली और आज? बीबी छोड़ें, कोई परेशानी होगी मैं से बात करूंगी, आप परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ। खैर, मैं खुद बात करूंगी खालिद से। आजकल ज़किया को क्या हो गया? जरा सी कोई बात करो तो ऐसे भड़क जाती है। वैसे आपको छोटी मुमानी से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो पहले ही आपसे नाराज हैं। अरे मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि पैसे कहाँ से आए बुंदों के लिए। खालिद की हैसियत तो मैं जानती हूँ, और फिर इतने भारी और बड़े बुंदे, इतना भारी जेवर। तुम्हारा फोन बजे जा रहा है, बात कर लो। वो मुमानी, मैं बाद में बात कर लूंगी, अभी खाना बना लूं। भाई फोन उठा लो, खाना तो बन ही रहा है, साथ साथ बात भी कर सकती हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो किसी को। अरे किसका फोन है, कौन बार बार फोन किए जा रहा है? तमन्ना, किसका फोन है? तमन्ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, किसका फोन है?
हेलो तमन्ना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन करो कि आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात सुनो। प्लीज़ मुझसे एक बार मिलो, सिर्फ एक बार, बस एक आखिरी बार मिल लो। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, बस एक दफ़ा। मुमानी, मेरी बात सुनिए। मुमानी मेरी बात तो सुनिए। मुमानी दरवाजा खोलिए। मुमानी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जिन हालात में इन बच्चों की मंगनी हुई है, मुझे लगता है कि शादी में ताखीर करके हमें मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हारून ने मुझे शादी से इनकार कर दिया। अम्मी मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। मैं हारून के बगैर नहीं जी पाऊंगी। अम्मी मैं अपनी जान ले लूंगी। अम्मी, अरे दानिया मेरी बात सुनो बेटा।